यीशु मसीह का दूसरा आगमन और अंत का चिन्ह क्या होगा? जीसस कमिंग। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहे थे, तब उनके शिष्य उनके पास आए और उन्होंने मंदिर की इमारतों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया। यीशु ने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो न? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहेगा। जब यीशु जैतून पहाड़ पर बैठे थे, तब शिष्य एकांत में उनके पास आए और बोले, हमें बताइए, यह कब होगा? आपके आगमन और युग के अंत का चिन्ह क्या होगा? विपत्तियों का प्रारंभ। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए। बहुत से लोग मेरे नाम में आएंगे और कहेंगे, मैं मसीह हूँ, और वे बहुतों को बहका देंगे। तुम युद्धों की चर्चा सुनोगे और युद्धों के बारे में अफवाहें सुनोगे, पर देखो, इससे मत घबराना, क्योंकि ऐसा होना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। जाति के विरुद्ध जाति और राज्य के विरुद्ध राज्य उठ खड़ा होगा। जहां तहां अकाल पड़ेंगे और भूकंप आएंगे। यह सब मानो प्रसव पीड़ा का आरंभ मात्र होगा। उस समय लोग तुम्हें पकड़वा कर घोर यंत्रणा देंगे और मार डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब जातियां तुमसे घृणा करेंगी। उन दिनों बहुत से विश्वासियों के विश्वास का पतन होगा। वे एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से घृणा करेंगे। बहुत से झूठे नबी प्रकट होंगे और बहुतों को बहकाएंगे। अधर्म बढ़ने से लोगों में प्रेम भाव घट जाएगा, किंतु जो अंत तक स्थिर रहेगा वही बचाया जाएगा। राज्य का यह शुभ समाचार सारे संसार में सुनाया जाएगा, जिससे सब राष्ट्रों को इसकी साक्षी मिले, और तब अंत आ जाएगा। महासंकट। इसलिए जब तुम पवित्र स्थान में विनाशकारी घृणित वस्तु खड़ी हुई देखोगे, जिसकी चर्चा नबी दानियल ने की है, पढ़ने वाला इसे समझ ले। तो जो लोग यहूदा प्रदेश में हों, वे पहाड़ों पर भाग जाए, जो छत पर हो वह अपने घर का सामान लेने नीचे न उतरे, जो खेत में हो वह अपनी चादर ले आने के लिए पीछे न लौटे। उन स्त्रियों के लिए शोक, जो उन दिनों गर्भवती या दूध पिलाती होंगी। प्रार्थना करो कि तुम लोगों को शीतकाल में अथवा विश्राम दिवस को भागना न पड़े, क्योंकि उन दिनों ऐसा घोर संकट होगा जैसा सृष्टि के आरंभ से अब तक न कभी हुआ है और न कभी होगा। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई भी प्राणी नहीं बचता, किंतु चुने हुए लोगों के कारण वे दिन घटा दिए जाएंगे। यदि उस समय कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहाँ है, अथवा वह वहाँ है, तो विश्वास नहीं करना, क्योंकि झूठे मसीह तथा झूठे नबी प्रकट होंगे और ऐसे महान चिन्ह तथा चमत्कार दिखाएंगे कि यदि संभव हो तो वे चुने हुए लोगों को भी बहका दें। मानव पुत्र का पुनरागमन। यदि वे तुमसे कहें, देखो वह निर्जन प्रदेश में है, तो वहाँ नहीं जाना, अथवा देखो वह यहाँ कोठरी में है, तो विश्वास नहीं करना, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मानव पुत्र का आगमन होगा। जहाँ कहीं लाश होगी वहाँ गिद्ध इकट्ठे हो जाएंगे। उन दिनों के संकट के तुरंत बाद सूर्य अंधकारमय हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा, तारे आकाश से गिर जाएंगे और आकाश की शक्तियाँ विचलित हो जाएगी। तब आकाश में मानव पुत्र का चिन्ह दिखाई देगा। पृथ्वी की समस्त जातियां छाती पीटेंगी और मानव पुत्र को सामर्थ्य और अपार महिमा के साथ आकाश के बादलों पर आते हुए देखेंगी। वह तुरही की तुमुल ध्वनि के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे चारों दिशाओं से, विश्व के कोने कोने से उसके चुने हुए लोगों को एकत्र करेंगे। इसी तरह जब तुम ये सब घटनाएं देखोगे, तब जान लेना कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस पीढ़ी का अंत तब तक नहीं होगा जब तक ये सब बातें घटित नहीं हो जाएगी। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द कदापि नहीं। यह कब होगा? 32 अंजीर के पेड़ से यह शिक्षा लो, जैसे ही उसकी टहनियाँ कोमल बन जाती हैं और उनमें अंकुर फूटने लगते हैं, तो तुम जान जाते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। जागते रहो। 36 उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत और न पुत्र, यह केवल पिता ही जानता है। 37
जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मानव पुत्र के आगमन के समय होगा। जल प्रलय होने के पहले नूह के जलयान पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे। जब तक जल प्रलय नहीं आया और उसने सबको बहा नहीं दिया, तब तक किसी को इसका कुछ भी पता नहीं था। मानव पुत्र के आगमन के समय वैसा ही होगा। उस समय दो पुरुष खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर रात के किस पहर आएगा, तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी की तुम कल्पना भी नहीं करते, उसी घड़ी मानव पुत्र आ जाएगा। वह विश्वासपात्र और बुद्धिमान सेवक कौन है, जिसे उसके स्वामी ने अपने घर के अन्य सेवक सेविकाओं पर नियुक्त किया है, ताकि वह निश्चित समय पर उन्हें भोजन सामग्री बांटा करे। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी लौटने पर उसे ऐसा करता हुआ पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह दुष्ट सेवक अपने मन में कहे, आशा करती हूँ छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा और हमारे चैनल जीवित परमेश्वर को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को जय मसीह की आमीन।